सकते हैं कि सोमेश्वर नाथ बाबा का ब्रदर में नमस्कार प्रणाम। आप लोग देख रहे हैं टीएस अपने हो जो सोमेश्वर नाथ अरेराज अभी मंदिर के अंदर हूँ। काफ़ी भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। महाशिवरात्रि के बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देखने को मिला है और यहाँ पे आने के बाद मैं बता दूँ कि बहुत ही शांति लगती है, मन को खुशी मिलती है। अरे सोमेश्वर नाथ मंदिर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो कि अरेराज में है, आप लोग देख सकते हैं कितना सारा भीड़ है। और सभी व्यूवर्स लोगों से मैं बता दूं कि महाशिवरात्रि की हार्दिक आप लोगों से अभिनंदन है। इसके रोम रोम में शिव है वो बीस पिया करते हैं, जमाना उन्हें क्या जलाएगा जो श्रृंगार ही अंगार से किया करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पूरी टीम को हमारी ओर से महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर बहुत शुभकामना है, मंगल कामना है। और आज भीड़ हो गई ये नहीं कहिए, हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का अवसर एकादशी से ही यहाँ भक्तों का भीड़ शुरू हो जाती है और एकादशी से आज और लगातार जो है 3 दिवसीय मेला हमारे यहाँ महाशिवरात्रि का लगता है। 3 दिन लगातार भक्त एकादशी द्वादशी और 13 चतुर्दशी के संयोग को यहाँ भक्तों का जलाभिषेक की श्रृंखला होती है। कल भी भीड़ इससे ज़्यादा ही होगी, इससे ज़्यादा मतलब कि आज मध्य रात्रि से लगभग 1 बजे से 2 बजे के बीच में मंदिर का पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा और इससे ज़्यादा ही भीड़ रहेगी, कम भीड़ नहीं रहेगी। अभी शिवरात्रि है और शिवरात्रि पे आप क्या कुछ करेंगे? शिवरात्रि भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे विशेष महापर्व है। जो भी शिव के आराधक हैं, शैव संप्रदाय के पूजन करने वाले हैं या सिर्फ शैव ही नहीं हर संप्रदाय का पूजन आराधना करने वाले लोग, एकमात्र ऐसे देव हैं, महादेव हैं जिनकी आराधना पूजा जब सभी लोग विश्व भर से लोग करते हैं, ये हमारे सनातन संस्कृति के लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी हमें लगता है कि एकमात्र महादेव ही हैं जिनको हर धर्म संप्रदाय के लोगों की आस्था उनके प्रति होती है। और इसी दिन भगवान शिव उनका शिवलिंग के रूप में प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए महाशिवरात्रि की महिमा अनंत है और इसकी जितना भी कहा जाए वो कम है। धर्मशास्त्र वेद वेदांग भी इनका व्याख्यान करने में सामर्थ्य नहीं है, हम लोग तो छोटे से जीव हैं। थैंक यू। अभी आप लोग देख रहे थे सोमेश्वर नाथ अरेराज मंदिर, जो कि मैं आपसे बता दूं कि जितने भी भक्तजन हैं यहाँ पे आइए और यहाँ पे जल चढ़ाइए। यहाँ पे आने से मन को खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, बहुत ही ज़्यादा शांतिपूर्वक यहाँ पे होती है। और जितने भी व्यूवर्स हैं मैं बता दूं कि सोमेश्वरनाथ मंदिर जो कि अरेराज में है और चलिए सोमेश्वरनाथ बाबा का हम भी दर्शन करते हैं और जल धारते हैं। देखिए यहाँ से गेट है और यहाँ से लाइन लगती है, लाइन लगा कर ये देख सकते हैं कि यहाँ अब देखिए मेन जो सोमेश्वरनाथ बाबा का जो मेन गेट है यहाँ पे है और यहाँ से प्रवेश करते हैं। देखिए पहले जो है कि डायरेक्ट जाकर जल ढारा जाता था लेकिन अब चोंगा का व्यवस्था किया गया है और चोंगा में ही जल ढारने को आपको मिल सकता है। पहले नीचे जाकर और भोलेनाथ पे जल ढारा जाता था लेकिन अभी देखिए चोंगा का जो कि यहाँ पे व्यवस्था हुआ है, दिखा दे आपको जो सोमेश्वरनाथ अरेराज में बाबा हैं उनका जो जल चोंगा में ढारा जा रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये TSF न्यूज़ का शिवरात्रि का स्पेशल वीडियो आप तक पहुंच रहा है, ये देख सकते हैं। ये देखिए चोंगा में डालने में ये भी बढ़िया सुविधा है, भीड़ भड़ाके से अच्छा है जो कि ये चोंगा में डाला जाता है। देखिए सोमेश्वरनाथ बाबा का दर्शन कीजिए यहाँ पे। मनीष जी आपका घर कहाँ पे पड़ेगा? बसाओ और बसाओ और मदारपुर एक ही पास है। नहीं आप भी कितने साल से आते हैं यहाँ पे? बहुत साल से आते हैं। कैसा महसूस होता है मतलब बाबा से आशीर्वाद लेते हैं तो? अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा। क्या कुछ अभी महाशिवरात्रि है, क्या कुछ कहेंगे महाशिवरात्रि पे? महाशिवरात्रि बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए इस मंदिर पे आप जाते हैं दर्शन लेते हैं तो कैसा महसूस होता है अंदर? बाबा भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पर क्या पूछना है, हर साल हम लोग आते हैं जी, सुकून मिलता है और बहुत सुकून मिलता है।
थैंक यू। क्या नाम है सर? प्रदीप कुमार सोनी। प्रदीप जी यहाँ पे आए हुए पहली बार आए? नहीं नहीं, हम हर साल भी आते हैं। सब दो ही जन आए हुए कि और लोग आए? मेरे चाचा जी भी आए, चाची जी, भैया जी भी आए। जी जी, घर में शादी थी कि ऐसे ही? नहीं नहीं, इसी तरह हर साल मनोकामना पूरा हो जाता है, ऐसे ही मतलब आते हैं। जी जी, क्या कुछ कहेंगे? अभी महाशिवरात्रि है। जी जी, महाशिवरात्रि पे क्या कहेंगे? हम लोग बहुत अच्छा माँ का दर्शन हुआ और सब मैंने बहुत बढ़िया से लगा। हर साल पाँच साल भी आते हैं, बहुत मनोकामना पूर्ण हो जाती है, हर साल आते हैं इस लोग। क्या नाम? मिथिलेश कुमार सोनी। अभी महाशिवरात्रि है सर। महाशिवरात्रि भोलेनाथ और पार्वती का तो सबसे बड़ा, अगला साल से बहुत सारा सुविधा मिल रहा है और महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर हम हर साल आते हैं, आते भी रहेंगे। जितेंद्र सिंह मोतिहारी निवासी, आपका धर्मपत्र आपसे बिछड़ गई है, जो मंदिर के अन्य प्रसंग में है। आप अगर मेले के अंदर में है तो आप अपने धर्म पत्नी के लिए जाए। जितेंद्र सिंह आपका धर्मपत्र आपसे बिछड़ गई है, जो मंदिर के अन्य प्रसंग में खड़ी है। आप अगर मेले के अंदर में तो आप अपने धर्म पत्नी के लिए जाए। सोनी देवी, आप अगर मेरे के अंदर में है, आपके पास आवाज सुनाई दे रहा है, आपका Yeah.